एटॉमिक नंबर 20 है, ये आप सही है। तो पहला शेल में हम लोग 2 दे दिए, फिर 8 दे दिए, और हम लोगों को पता है कि थर्ड शेल में तो 18 तक जा सकता है, तो 10 तक देना तो ठीक ही रहेगा। लेकिन रूल नंबर 2 ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला शेल में 2, फिर दूसरा शेल में तो 8 दे सकते हैं, तो 2 8 हो गया, और 10 इलेक्ट्रॉन्स देना है। थर्ड शेल में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो आउटर मोस्ट हो जाएगा, और आउटर मोस्ट का रूल है कि सिर्फ 8 दे सकते हैं। दीदी हम बोले तो ये बोलो दीदी इसमें 8 दे देंगे, दीदी एक और ड्रॉ करेंगे, और एक फोर्थ शेल ड्रॉ करेंगे उसमें 2 दे देंगे। समझ आया, तो 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2.8 फिर 8 और 2। समझ आया, तो ये इसीलिए ये रूल यहाँ पर है। और थर्ड रूल सिंपल है कि जब तक अंदर का शेल्स नहीं भरेगा बाद में करना, जब तक अंदर का शेल्स नहीं भरेगा तब तक हम लोग बाहर वाला शेल्स नहीं फिल कर सकते। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ। इसके बाद यहीं से आता है वैलेंसी का कंसेप्ट। देखो वैलेंसी के लिए क्या करता है, सब एलिमेंट्स को चाहिए कि बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो सब एलिमेंट्स को ऑक्टेट मेंटेन करना, तो कैल्शियम बाहर में 8 रखने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है ना, तो वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। कैल्शियम को बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना है, हर एलिमेंट चाहता है कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। उसके लिए या तो वो अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से ले लेगा, और अगर उसके पास 8 से ज्यादा है तो वो उसको रिलीज कर देगा। तो कैल्शियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे रहा है तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2, तो उसका चार्ज हो जाएगा Ca2+। तो आज तक हम लोग लर्न करते थे ना Ca2+ क्यों हुआ, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना था ताकि वो अपने ऑक्टेट में आ सके। दीदी अगर लेना होगा तो माइनस, और एग्जांपल्स दिखाते हैं हम। तो जैसे सोडियम का हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम Na का चार्ज कितना होता है, Na+1, ठीक है। क्यों आया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यशिका सेकंड शेल में 8 देंगे, फिर थर्ड के लिए 1 बचेगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो इसीलिए Na+ बन जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 8 1 हो रहा है ना, तो ये 1 हटा देगा। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर। देखो हर बार हमको शेल ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है, हमको पता है कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि पहला में 2 फिर 8, 10 हो गया और 2 देना है, तो 2, तो चार्ज कितना होगा, 2 रिलीज करेगा, तो रिलीज करने से प्लस होता है क्योंकि वो पॉजिटिव बन जा रहा है, और 2+। हाइड्रोजन का अब देखो, हीलियम लिथियम 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2.1, ये तो 8 कर ही नहीं सकता है क्योंकि ये इतना छोटा सा है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लाकर अपने पास रखेगा कहाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ले नहीं सकता ये। तो जब ये एलिमेंट्स बहुत छोटा होता है ना, तो वो लोग ऑक्टेट नहीं अटेंड करता, वो लोग 8 का टारगेट नहीं रखता है, वो लोग 2 का रखता है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन ये यूट्यूब में जाएगा तुम्हारा, और हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा Li+। समझ आया, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन बहुत छोटा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा उसके पास, इसीलिए H+ लिखते हैं। बेरिलियम का 4 होता है, Be4,
टू टू है तो वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि दूसरे वाले शेल में तो आठ रखना पड़ेगा, लेकिन आठ तो वो ले नहीं सकता, तो नीचे वाले का शेल टू तो फिल्ड रहेगा, तो ठीक है बेरिलियम टू हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है नियॉन का, हाइड्रोजन तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2.8, तो इसके बाहर में तो ऑलरेडी 8 है, तो ये क्या करेगा, रिलीज ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ना एक्सेप्ट ना रिलीज, तो इसीलिए ये नोबल गैस है, क्योंकि ये अपने आप में रिएक्ट, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सैटिस्फाइड है इसका इलेक्ट्रॉन्स, तो जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता उसको नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सारा इनर्ट होता है गैसेस, क्योंकि इनका आउटर शेल फुलफिल्ड होता है, तो ये लोग किसी के साथ, हीलियम का टू है और छोटा शेल में तो टू ही होना चाहिए, तो फिल्ड है ना, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, समझ आया। अब ये बोलते हैं कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन लेता हो, तो सपोज सल्फर, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर है 16, योग्य क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, दी 2, 8, 6, तो यशिका इसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, नहीं दीदी ऐड करेगा, इसको 8 बनाना है ना, माइनस 4, तो इसके लिए क्या आसान है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेगा, माइनस 2, या तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या छह इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इजी प्रोसेस तो दो इलेक्ट्रॉन लेना है ना, इसी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी दूसरे एलिमेंट से, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज इसका हो जाएगा 2-, इसीलिए सल्फाइड का हम लोग लिखते हैं 2-। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोई भी जिसको छोड़ना है, जैसे इसीलिए तो बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, तो सल्फर को क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन लेना होता है, और सोडियम को क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है, तो दो सोडियम मिलकर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसीलिए तो फॉर्मूला बनाना Na2S, क्योंकि सल्फर को एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक सोडियम से मिल रहा है ना, समझ आया। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, समझ आ रहा है, तो रिलीज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है वो या तो किसी दूसरे को दे रहा है या किसी दूसरे एलिमेंट से ले रहा है, ये पूरा वैलेंसी का कंसेप्ट था। दीदी फिर SO4 माइनस कैसे बनता है, वो नीचे जो 4 होता है वाला, हाँ, तो इस वो और कॉम्प्लिकेटेड है, SO4 2-, इसका मतलब ये सब मिल के भी दो इलेक्ट्रॉन इन लोगों के पास एक्स्ट्रा है, दो इलेक्ट्रॉन इसको अभी भी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे वो सब पूरा अलग, जैसे CO2 ये हायर क्लासेस में वो इस तरह से बनता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2.4, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.4। अब ये बताओ वो चार इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या चार इलेक्ट्रॉन लेगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, डिपेंड जो उसका नहीं छोड़ेगा, चार इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो छोटा चीज है, एक्स्ट्रा चार को कहाँ रखेगा, तो वो चार इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, अगर वो चार इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसके पास इतना सारा सेंटर में तो इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसके पास बस दो बचेगा, तो वो स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं होगा, तो इसीलिए ये ना छोड़ता है ना लेता है, ये शेयर करता है, तो इसीलिए कार्बन इतना यूनिक है, शेयर करता है मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वो शेयर करता है, ये पूरा कंसेप्ट स्टैंडर्ड 10 में है, नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों के शेल के पास रहेगा, जैसे CO2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के लिए भी माना जाएगा और कार्बन के लिए भी माना जाता है, ये पूरा स्टैंडर्ड 10 का कंसेप्ट है, समझ आया। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो गोल तो जीरो हो जाएगा फिर उसका, हाँ तो क्या हो गया, जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को तो किसी के साथ तो बॉन्ड शेयर कर रहा है ना, वो HCl, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-7, इसको एक लेना है और हाइड्रोजन को एक देना है, तो जब ये जब दे देगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और जब क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन तो होगा ना,
तो इसीलिए वो उसके साथ अटैच्ड रहेगा. समझ आया? ये पूरा वैलेंसी था. लाइन बाय लाइन यहां पर पढ़ना. देखो अब लर्न कैसे करना है, ये तुम लोगों को लर्न करने का जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सब तो खुद से बनाने आ जाएगा ना. वैलेंसी भी जब कॉन्फ़िगरेशन पता रहेगा तो वैलेंसी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं. सिर्फ ये याद रखना फॉस्फरस का वैलेंसी 3 और 5 दोनों होता है. फॉस्फरस का एटमिक नंबर होता है 15, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 5. या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा. लेना नहीं, ये कोई कोई एलिमेंट होता है, जब जो एलिमेंट बड़ा होते जाता है वो लोग के पास पावर ज्यादा आते जाता है, तो इसी वजह से या तो ये 3 लेकर 8 कर लेगा या ये 5 को हटा देगा. तो यहाँ पर वैलेंसी है 3 और 5. ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स है. आयरन का भी होता है 2 वैलेंसी. मतलब जो देता है वो प्लस होता है और जो लेता है वो माइनस. तब माइनस, क्योंकि वो नेगेटिव चीज ले रहा है ना, तो नेगेटिव पावर बढ़ रहा. तो जो लर्न करना है सिर्फ ये वाला करना है, एटमिक नंबर इस तरह से करना. हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, पर ये ऑर्डर लर्न कर लेना तो 1, 2, 3, 4 तो असाइन किया ही जाएगा. समझ आया? तो करना नहीं, एग्जाम में तुम लोगों के सिलेबस में 20 तक ही आता है. आर्गन का 18 है ना, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20. लिखो के एरो देकर 19, CA एरो देकर 20. मेरे बुक में लिखा है 20 तक लर्न कर लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता. इसके बाद देखो ये छोटा छोटा टर्म्स है, कंसेप्ट है. आई मीन एटमिक नंबर, एटमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होता है ना, तो इसी वजह से बोल सकते हैं. देखो एटमिक नंबर को अल्फाबेट जेड से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होता है. तो एटमिक नंबर के बेसिस पे ही हम लोग वैलेंसी करेंगे. दूसरा होता है मास नंबर. न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में क्या क्या चीज रहता है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. प्रोटॉन रहता है पॉजिटिव चार्ज, और बताए थे ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन रहता है. तो यहाँ पर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है. तो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको डिनोट किया जाता है अल्फाबेट ए से. सपोज हम बता रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. देखो एटॉमिक नंबर को इस तरह से नीचे लिखा जाता है और मास नंबर को ऊपर में, लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है, ये रूल है. इसका मास नंबर हम लिख दिए 23. अब तुम लोगों को ये टेबल कंप्लीट करने आएगा, कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है. योग्य बोलो इसमें कितना प्रोटॉन है, हम बोले 11. यस, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11. एटॉमिक नंबर मतलब क्या बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर. अभी हम लोग किए ना, 11 था तो 11 डॉट्स दे रहे थे, तो वो डॉट्स क्या था, इलेक्ट्रॉन था ना. तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही तो प्रोटॉन है. तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11 11. पर एन ए का तो प्लस, ठीक है, एक मिनट को. हाँ, इलेक्ट्रॉन 11 जित, अभी तो इलेक्ट्रॉन ही तो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ना. जो एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है. अब मास नंबर मतलब क्या बताए थे, मतलब मास नंबर को ए से लिखते हैं, ये बताए थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो मास नंबर सोडियम का कितना है, 23, और प्रोटॉन कितना है, 11, तो प्लस एन. तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग 11 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 12 न्यूट्रॉन्स है। तो लिखने का रूल क्या है, एलिमेंट का सिंबल इधर, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर, और जब ये दिया हुआ रहता है तो ये पूरा टेबल हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल बता पूछ रहे हैं वो बताना, आइसोटोप क्या होता है? रुक जाओ, सल्फर का 16 और 32, ऐश्वर्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 16। यशिका इलेक्ट्रॉन 16 और अंशिका न्यूट्रॉन 32। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन हर बार इतना बड़ा बड़ा प्रोसेस तो लिखने का टाइम नहीं है, तो ये कॉमन सेंस लगाना होगा अब तुमको कि दोनों हर बार सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, तो 32 माइनस 16 16 ही होगा। न्यूट्रॉन कभी भी दीदी न्यूट्रॉन भी तो दे सकता है इसमें? किसमें दीदी? इसमें दीदी न्यूट्रॉन का वैल्यू भी तो दे सकते हैं इसमें? हाँ। नहीं, इसमें दो ही वैल्यू तो फिक्स है, इसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर और इसको लिखते हैं मास नंबर, तो अलग से न्यूट्रॉन कभी नहीं लिखा रह सकता। रुको, अभी हम एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, एक्सरसाइज खोलो एक बार। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 देखो, इफ जेड इक्वल्स टू 3, जेड क्या है? जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो जेड इक्वल्स टू 3 है तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 1। तो इफ जेड इक्वल्स टू 3 तो लिखेंगे नंबर ऑफ, वैलेंसी के लिए तो इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 3। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2.1। तो ये अपना दो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या करेगा, एक को रिलीज कर देगा, तो इसी वजह से इसका वैलेंसी बन जाएगा 1। यहां लिखेंगे इट विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, जिसे 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोलते हैं ना, 2 को डुप्लेट, therefore valency equals to 1। next question देखो, question number नहीं 13 नहीं होगा पीछे, अच्छा question number 17 देखो, valence electron का मतलब है बाहर वाला orbit का electron, बता देंगे तो यहाँ पर Cl minus है, ऐश्वर्या या अंशिका बताओ Cl minus है मतलब कितना सारा electrons है दीदी? 1 तो उसका charge है दीदी, मतलब सीएल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 से ज्यादा है। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एटॉमिक इसका इलेक्ट्रॉन से 17। अभी यहाँ -1 है, इसका मतलब क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है या छोड़ रखा है? माइनस चार्ज है मतलब एक्सेप्ट कर रखा है वो, तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बन जाएगा? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 17 ही होता है, लेकिन सीएल माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो प्रत्येक इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाला शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए देखो ये लोग 17 और 18 दोनों आंसर दिया है, तो वो हड़बड़ी में मत करना, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों टर्म अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी मतलब कितना देना लेना करेगा, उस हिसाब से लिखेंगे।